दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी। दरअसल बीजेपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल्ली के साथ ही अन्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न केवल दिल्ली बल्कि भविष्य में जम्मू कश्मीर में भी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। दरअसल दिल्ली में पिछले लंबे समय से उपराज्यपाल और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच अधिकारों को लेकर खींचातान चल रही थी। बतौर राजनीतिक दल बीजेपी इस खींचातान में ये कहते हुए उपराज्यपाल के साथ खड़ी नजर आती थी कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह का यूनिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है। तो वहीं बीजेपी अब ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं सीमित रहेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश तक भविष्य में इस फैसले का दीर्घकालिक असर दिखाई देगा। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार है। ये वही शक्तियाँ हैं जो दिल्ली सरकार को मिली हुई है। हालांकि राजधानी दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, इसलिए इसमें कुछ हिस्से जैसे कि पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर विधानसभा का अधिकार होना चाहिए।